और श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र प्रस्तुत चैनल पर अब अंतिम सम्मान पर आइए बातचीत करते हैं जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की। हरि प्रसाद चौरसिया जी को इस साल सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग आज शाम ये पुरस्कार देंगे। इस अवसर पर संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन शेखर सेन भी मौजूद होंगे। इस संबंध में हमने विस्तृत जानकारी के लिए बातचीत की। भारतीय कला केंद्र की निदेशक और उपाध्यक्ष श्रीमती शोभा दीपक सिंह, भारतीय कला केंद्र ने किस तरह से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, इसको बढ़ावा देने के लिए किस किस तरह के कार्यक्रमों की गतिविधियां करता रहता है, और भारतीय कला केंद्र द्वारा इस साल सुमित्रा चरतराम पुरस्कार ये भी लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को दिया जा रहा है। 17 नवंबर को ये शाम को पुरस्कार दिया जाएगा। जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये पुरस्कार है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनके पीछे कम से कम 30 साल का सॉलिड वर्क हो, अचीवमेंट भी हो। तो ये 2011 से शुरू हुआ था। एक साल डांस, एक साल संगीत को दिया जाता है। ये 2011 से अभी छठा पुरस्कार है। पहले बृजू महाराज को, उसके बाद किशोरी आमोनकर को, उसके बाद बायथर राउत, उसके बाद पंडित जसराज, उसके बाद कुमुदिनी लाकिया। इस साल का जो सुमित्रा चरतराम अवार्ड है वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को दिया जा रहा है, जिस में बहुत ही विशेष बांसुरी वादक हैं। भारतीय कला केंद्र द्वारा किस किस तरह की गतिविधियां होती हैं, जो भारतीय संगीत में रुचि रखते हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय कला केंद्र में नृत्य और संगीत दोनों सिखाया जाता है। इस समय हमारे पास करीब 500 स्टूडेंट हैं और उनको सीरियस क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन किया जाता है। भारतीय कला केंद्र में जो टीचर्स हैं वो स्वयं एक समय यहाँ स्टूडेंट थे, वो एक बहुत विशेष बात है। उसके अलावा जो भारतीय कला केंद्र में जुलाई से हमारा सेशन शुरू होता है, उसके बाद ही जन्माष्टमी में कृष्णा नृत्य नाटिका होती है, उसके बाद ही रामलीला दशहरा के पहले होती है, उसके बाद हमारे जो नृत्य नाटक हैं वो विदेश, दिल्ली के बाहर इत्यादि जाते हैं। जो लगातार एक चलन होता है, मतलब ये बंद नहीं होगा। जनवरी में हमारा वो होगा बसंत पंचमी, फरवरी में म्यूजिक फेस्टिवल जिसमें सुविख्यात कलाकार पार्ट लेते हैं, उनके साथ जूनियर कलाकार भी होते हैं, फिर मई में हमारा बैले फेस्टिवल होता है, नृत्य नाटिका फेस्टिवल। तो हमारे भारतीय संगीत और नृत्य में ऐसी क्या खासियत है जो हम अपनी पहचान दुनिया में कायम रख सके हैं और आगे भी उसको कायम रखने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जो हमारे देश का संगीत और नृत्य है वो इतना सिस्टमेटिक है, जैसे एक जो ताल है सोलह माता की होगी तो सोलह माता में ही संपर आना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाके एक तान खत्म कर सकें। वैसे ही नृत्य में इतना अच्छी तरह उसको लिखा गया है, इतना मैथमेटिकली लिखा गया है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, ऐसी चीज़ें हैं उसमें कि बिल्कुल जो गणित का हिसाब है बिल्कुल करेक्ट है। और उसके अलावा हमारे पास उसके आगे नवरस हैं, नवरंग हैं कॉस्ट्यूम्स के लिए, ये सब चीज़ें जो पाँच चीज़ें मिल के एक बहुत अद्भुत जो चीज़ पैदा होती है। जैसे अगर मुझे कोई इंस्पिरेशन लेना हो कॉस्ट्यूम्स के लिए तो मिनिएचर पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, बहुत चीज़ें।